सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम एसएससी जीडी से सीआरपीएफ कांस्टेबल जो सिलेक्टेड पोस्ट पे हैं, अभी हाल फिलहाल जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, इनसे बात करेंगे। दोस्तों इनका नाम है पायल और 2018 के एसएससी जीडी के एग्जाम में और फिजिकल मेडिकल में ये पास हो चुके हैं। फिलहाल इनकी ट्रेनिंग चल रही है, इनसे हम समझेंगे कि किस तरह से इन्होंने रिटन एग्जाम क्रैक किया, किस तरह से इन्होंने फिजिकल पास किया, किस तरह से इनका मेडिकल हुआ। दोस्तों ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं उन गर्ल्स के लिए बना रहा हूँ, उन लड़कियों के लिए बना रहा हूँ जो एसएससी जीडी में जाना चाहती है, लेकिन उनके सामने बहुत सारे सवाल है कि मैं एग्जाम कैसे क्रैक करूँगी, मेरा फिजिकल कैसे होगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मेरा मेडिकल कैसे होगा। ये बहुत सारे सवाल उन गर्ल्स के सामने रहते हैं जो एसएससी जीडी में जाना तो चाहती है लेकिन वो किसी कारणवश या अपने डाउट्स या कन्फ्यूजन को लेकर वो नहीं जा पाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी लड़की से बात करें जो एसएससी जीडी से सेलेक्ट हो चुकी हो। तो यहाँ दोस्तों मैंने पायल जी से संपर्क किया और इनसे मैंने बात की कि आप गर्ल्स कैंडिडेट्स को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन के बारे में, आपने कैसे एसएससी जीडी में कॉन्स्टेबल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लिया, ये आप एक बार शेयर कीजिए। तो ये एग्री हो गए मेरी बात पर, तो मैं इनका थैंकफुल भी हूँ। तो पायल जी स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो सेशन में। तो पायल जी सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम पायल पाल है, मैं मेरठ यूपी से हूँ। अच्छा पायल जी, आपका सिलेक्शन कब हुआ? सारी बातें मैं आपसे ही सुनूंगा तो शायद ऑडियंस ज़्यादा खुश होगी और जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग ज़्यादा खुश होंगे इस बात से। आपका सिलेक्शन कब हुआ था एसएससी जीडी में? सर मेरा सिलेक्शन 2018 में हुआ था और मेरी ज्वाइनिंग 2021 में हुई है। 2018 में आपका सिलेक्शन हो गया था, 2021 में आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है और इसी वजह से आप वीडियो कॉल पर बात नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक कारण है। जो लोग देख रहे हैं वो सुन लेना भाई कि वीडियो रिकॉर्ड इसीलिए नहीं हो पा रहा है, हम खाली वॉइस कॉल पे बात कर रहे हैं, लेकिन वॉइस कॉल पे भी ये अपनी जो अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो बातें हैं वो हमारे साथ में शेयर कर देंगे। पायल जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2018 में जब एसएससी जीडी की रिक्रूटमेंट आई थी तब आपने सोचा था कि मेरे को एसएससी जीडी में जाना है या सीआरपीएफ या फिर फोर्स में जाना है, या उससे पहले आपने ये फिक्स कर रखा था कि मुझे तो फोर्स ज्वाइन करना है? सर मेरा शुरू से सपना यही था कि मुझे मतलब पुलिस लाइन में ही जाना है और मोस्टली मुझे मतलब सीआरपीएफ या ये बोलते हैं सीआईएसएफ में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही और मेरा मन था कि मैं इसी फोर्स में जाऊँ। ओके, और आई थिंक आपने जो यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस है इनमें भी ट्राई किया होगा? हाँ जी सर, मैंने ट्राई किया था, मैंने मेरा यूपी पुलिस में भी हुआ था लेकिन मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पहले होगी क्योंकि मुझे यहीं जाना था पहले से ही। ओके, मतलब आप मल्टीपल पोस्ट पे भी सिलेक्ट हो चुके हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर। पायल जी आपने भी मेरा एग्जाम, हाँ बताइए। हाँ सर, मेरा दिल्ली पुलिस में भी मेरा हो गया था, अभी मेरा मतलब उसकी नंबर मतलब मेरा आ चुका है, उसका मेडिकल फिजिकल के लिए हमें जब उसकी डेट आएगी तो फिजिकल के लिए जाएंगे। अच्छा, फिजिकल होना बाकी है, आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी क्रैक कर रखा है। मैं आपसे पायल जी जानना चाहूँगा कि आपने 2-3 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं तो आई थिंक आप तो स्कूल में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे या बेसिक थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये डाउट होता है कि जो सिलेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्कूल टाइम में बहुत ही इतना लो भी नहीं थी तो इतना हाई भी नहीं थी, बस नॉर्मल स्टूडेंट थी मैं। हाँ, एक जो सामान्य श्रेणी होती है, जो बीच वाली कैटेगरी होती है, उससे आप बिलोंग कर रहे थे, मतलब स्टूडेंट लाइफ में 10th क्लास या 12th क्लास में? हाँ जी सर। अच्छा, आपको अगर परसेंटेज याद हो 10वीं क्लास के तो कितने परसेंटेज थे आपके? सर मेरे बहुत कम परसेंटेज थे, मैं काफ़ी 10th क्लास में काफ़ी लो स्टूडेंट थी मैं। देखिए ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर स्कूलिंग में अच्छे परसेंटेज होते हैं तो ही आगे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पायल जी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, ये बता रहे हैं खुद आपको कि ये एक बेसिक कैटेगरी के स्टूडेंट रहे हैं, फिर भी इन्होंने मल्टीपल एग्जाम क्रैक किया है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक किया है, एसएससी जीडी में अभी सिलेक्शन ले चुके हैं और यूपी पुलिस, बाकी और भी इन्होंने एग्जाम्स दिए हैं,
तो ये जो एक आपकी सोच होती है, थिंकिंग होती है कि ज़्यादा परसेंटेज होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। पायल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एसएससी जीडी की तैयारी कब शुरू की थी एग्जैक्टली, आप मुझे बताइए। वैकेंसी आने से पहले तैयारी शुरू कर दी थी या वैकेंसी आने के बाद में? एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ। सर, मैंने वैकेंसी आने से पहले ही स्टार्ट कर दी थी। मैं कोचिंग ले रही थी बट मैंने कोई हाँ, फॉर्म अप्लाई कोचिंग। नहीं किया था। उसके बाद जब मैंने कोचिंग करना शुरू किया उसके बाद मैंने फॉर्म डालने शुरू किए। मैंने ओके, जनवरी 2017 में मैंने कोचिंग लेना शुरू किया था और मेरा फरवरी फरवरी में मेरा फरवरी 2018 में मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था। कुल मिला के आपने 1 साल कोचिंग और सेल्फ स्टडी की और फिर हाँ आपने जी, एग्जाम दिया। लगभग आपका कहने का मतलब है कि 1 साल आपने डेडिकेशन के साथ में तैयारी की हाँ जी सर, और उसके बाद में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और आपने एग्जाम क्रैक कर लिया। हाँ जी सर, एसएससी जीडी का जो सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आपने कितना स्कोर किया था? सर मेरा 79 स्कोर था और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो उसमें मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गए थे तो 84 हो गए थे मेरे मार्क्स। अच्छा, 79 तो आपने पर्सनली स्कोर किया था, फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ, फिर 84 मार्क्स हो गए। यस सर, अच्छा, आप कट ऑफ बता सकते हैं? आप जो जिस कैटेगरी से हैं, आप आई थिंक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये यूपी की ओबीसी की मेरिट फीमेल की 78 पर लगी थी फाइनल मेरिट। ओके, अब सुन लीजिए ध्यान से, ये बता रहे हैं कि यूपी की 78 मेरिट रही थी फीमेल कैटेगरी की और इनके 84 मार्क्स थे। यस सर, ओके पायल जी, आपने मैं आपसे पूछूं कि एवरेज आप पर डे की बात करें तो पर डे आप कितने घंटे स्टडी करते थे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए? सर हम मॉर्निंग में पढ़ते थे और दोपहर में हमारी कोचिंग होती थी, शाम को रात को। टाइम सर टाइम पीरियड पता नहीं लेकिन सर हम 2-2 घंटे, दो 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 3 घंटे ऐसे करके हम पढ़ लेते थे। मतलब आप एक शेड्यूल रखते थे कि भी 2 घंटे पढ़ना है, फिर थोड़ा ब्रेक लेना है, फिर 2 घंटे पढ़ना है, ऐसे करके आप तैयारी करते थे। ऐसे नहीं है कि हाँ जी किताबी सर, कीड़ा थे। अच्छा, नहीं सर ऐसे नहीं थे हम। एक बात बताइए, आपने एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक किया तो आपने ये जो एक स्ट्रेटजी होती है एग्जाम क्रैक करने की, उसको फॉलो किया या फिर आपने सभी किताबों को पढ़ा अच्छे से, मतलब हार्डवर्क किया बहुत ज़्यादा? सर जहाँ हम कोचिंग ले रहे थे वो सर हमें जो पढ़ाते थे हम सिर्फ वही पढ़ते थे, बोलते थे कि एग्ज़ाम यही अच्छा, मतलब जो एग्ज़ाम में आता है वही हम बताते हैं, तो वो हमें बुक्स वही अवेलेबल कराते थे और वही पढ़ाते थे, हम उन्हीं बुक से पढ़ते थे। अच्छा, कहने का मतलब है कि आपको कोचिंग का सपोर्ट मिला है। हाँ जी सर, कोचिंग का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, हमारे सर बहुत अच्छे थे। अच्छा पायल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कोई ऐसी बुक बता सकते हैं पार्टिकुलर जिससे अच्छी हेल्प हो स्टूडेंट की? सर मैंने जो मैथ किया था वो एसडी यादव बुक आती है मैंने उससे किया था। आरएस की अच्छा, बुक भी थी मेरे यादव पास, आरएस पब्लिकेशन। अग्रवाल की बुक भी थी मेरे पास और एसडी यादव से मैंने किया था, मतलब पढ़ा था मैंने उससे। उससे तैयारी आपने की, प्रैक्टिस सेट वगैरह आपने लगाए होंगे, क्वेश्चन जो टाइप होते हैं वो लगाए होंगे। हाँ जी सर, उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं तो हम टाइप से ही क्वेश्चन करते थे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एग्जाम टाइम से पहले आपने प्रैक्टिस सेट कितने लगाए थे एसएससी जीडी के? सर मैंने प्रैक्टिस सेट कोई नहीं लगाए थे, अच्छा, प्रैक्टिस सेट आपने लगाया ही नहीं। नहीं सर मैंने कभी प्रैक्टिस सेट लगाया ही नहीं। अच्छा, मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस सेट से बेनिफिट तो होता है, लेकिन ऐसा भी है कि बिना प्रैक्टिस सेट के भी मतलब सक्सेस मिल जाती है एग्जाम में, अगर आप सही स्टडी मटेरियल को लेकर चलते हैं तो। जैसे आपको सपोर्ट मिल गया कोचिंग से कि आपको बताया गया कि भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, आपको एक आइडिया लग गया था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाँ जी सर, और उससे आपको बेनिफिट हो गया और आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं सर मैंने कभी प्रैक्टिस सेट लगाया ही नहीं। बाकी आपका क्या मानना है, किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम टाइम में, जैसे एग्ज़ाम के मान लो 15 या 20 दिन पहले प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, आपका क्या मानना है? आपकी पर्सनल जो राय है वो बताइए। सर मेरे ख्याल से लगाना चाहिए बच्चों को, अच्छा होता है, काफ़ी बेनिफिट होता है।
प्रैक्टिस हाँ सेट्स। प्रैक्टिस सेट से कुछ क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने की हैबिट हो जाती है, हाँ जी सर, और खास किसी ये होता मान है लो कि टाइमिंग का अच्छा पड़ जाता है कि टाइमिंग में तुम पेपर कर लेते हो टाइम प्रैक्टिस सेट मैनेजमेंट में। हो जाता है एग्जाम में प्रैक्टिस सेट लगाने से। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए जो मोस्टली बच्चे सवाल पूछते हैं वो मैं आपसे ले लेता हूँ, मैंने नोट कर रखे हैं जो बार बार कमेंट्स आते हैं। आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था एग्जाम में, सबसे अच्छा सब्जेक्ट जिसमें आपने सबसे अच्छा स्कोर किया? सर मेरा हिंदी मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, हिंदी मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, और सबसे अच्छे मार्क्स भी मेरे हिंदी में ही आए थे। अच्छा, हिंदी और में उसके आपने कितना बाद स्कोर किया था वैसे? सर मेरे हिंदी में 25 में से 24 आए थे मार्क्स। दैट्स नाइस, 24 मार्क्स आप हिंदी में लेकर आ गए, हाँ जी सर। और हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा एसएससी जीडी में। हाँ जी सर। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें तो आप बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट था और सबसे वीक कौन सा सब्जेक्ट रहा? सर मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट रीजनिंग रहा है, और मैथ भी अच्छा था मेरा, उस हिंदी के बाद मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, मैथ्स में आपने ठीक किया, और मैथ्स में अच्छा किया, ठीक नहीं अच्छा किया, उसके बाद में हम जीके ले सकते हैं, और जीके के बाद में रीजनिंग, रीजनिंग में आप कह रहे हैं कि कम स्कोर हुआ। हाँ जी सर, मेरा जीएस में भी अच्छा स्कोर था, लेकिन रीजनिंग मेरा काफ़ी कम स्कोर था, मेरी रीजनिंग थोड़ी वीक है। अच्छा, रीजनिंग आप वीक मानते हो या रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत होती है एग्जाम में, कि भाई रीजनिंग के जो क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एग्जाम में? हाँ सर, थोड़ा रीजनिंग थोड़ा लेंथी होती है, उसमें माइंड का ज़्यादा यूज़ करना होता है, कि तो थोड़ा इसीलिए टाइम थोड़ा। कंज्यूमिंग भी होता है। हाँ जी सर, इसलिए मैं रीजनिंग को सबसे लास्ट में टाइम देती हूँ। ओके, तो अभी मान लो कोई जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई एकदम फ्रेश कैंडिडेट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो आज से अपनी तैयारी शुरू करना चाहे तो सबसे पहले उसको कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए? देखो वैसे तो पढ़ने को तो चारों सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, लेकिन हाँ गुड जी स्कोर करने के लिए या बच्चों का जो सपोर्टिव सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जाम में, एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हेल्प करता है, तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले तैयार करना चाहिए? सर, मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट होता है वो हिंदी होती है। हिंदी ऐसा होता है कि वो चेंज नहीं होती है, जो होता है सब सामने ही होता है, इसलिए हिंदी जल्दी याद भी हो जाती है और प्रैक्टिस अच्छी होती है हिंदी की। उसके बाद आपका सर कहने का मैथ। मतलब है कि लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आप सबसे पहले ले लो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जो मैटर है वो फिक्स रहेगा, तो आपको आसानी होगी तैयार करने में, चीजें वही रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं, तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, आप उसको सबसे पहले तैयार कर सकते हैं। हाँ जी सर। और उसके बाद में मैथमेटिक्स, यस सर, उसके बाद मैथमेटिक, उसके बाद रीजनिंग, और सर जीएस तो आप जानते हो, तो जीएस है ही। जीएस तो इम्पोर्टेंट है ही वैसे, और जीएस में दिक्कत भी होती है क्योंकि जो स्टडी मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। एक हाँ जी बात मैं सर। आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर्स आता है हाँ जी सर। वो लगभग कितने महीनों का पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में? सर मेरे टाइम पे तो लास्ट 6 मंथ का आ गया था उसमें, लास्ट 6 मंथ का अगर कोई सिक्स तैयार कर मंथ लेता तक है तो हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं सर, लास्ट 6 मंथ का अच्छा, आप कर लेते लास्ट, हैं। हाँ तो उसके लिए कोई पार्टिकुलर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर क्रोनोलॉजी पढ़ना, आपने ऐसा कुछ किया? सर हमें हमारी सर ने एक बुक अवेलेबल कराई थी कोचिंग में ही, हमने सर करंट अफेयर अपना वहीं से किया था। अच्छा पायल जी, करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपको अगर याद हो? मेरे को पता है 3 साल हो गए, काफ़ी लंबा समय हो गया एग्जाम हुए, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कि करंट अफेयर्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सर अब तो याद नहीं है मुझे, चलिए काफ़ी कोई टाइम बात हो गया नहीं। है। के अब पायल जी, मैं आपसे फाइनली जानना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कोई एसएससी जीडी में कोई लड़की आपके इस इंटरव्यू को देखकर जाना चाहे तो आप उसको क्या बोलना चाहेंगे, बिंदास होकर बताइए। सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि तैयारी अच्छे से करो, इतना हार्ड नहीं होता है इसमें, सब अच्छे से होता है, सब आराम से हो जाएगा। आप ट्रेनिंग में हो और ट्रेनिंग में आपने माहौल तो नोटिस किया होगा कि लड़कियों के लिए सीआरपीएफ में कैसा माहौल है? सब बहुत अच्छा माहौल है लड़कियों के लिए, सबसे सेफ जो सेना है वो ये ही है,
सीआरपीएफ में लड़कियां काफ़ी सेफ रहती हैं और काफ़ी अच्छी होती है। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट सीआरपीएफ ही लगती है, मुझे तो सीआरपीएफ ही बिल्कुल, और लगती है। ये बात मैं भी मानता हूं कि लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है सीआरपीएफ। अगर एसएससी जीडी आप तैयारी करते हैं और सीआरपीएफ आपको फोर्स मिलती है तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। फिर आप देश की सेवा करते हैं, भारत माँ की रक्षा करते हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आपको मैं इस वीडियो सेशन के लिए तो थैंक यू बोलूंगा ही, साथ में आप देश सेवा में शामिल हो चुके हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आपको थैंक यू बोलूंगा, धन्यवाद बोलूंगा। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर पायल जी के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कोई आपका डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में लिखना, ताकि हम आगे पायल जी से डिस्कस करके आपको कमेंट कर सकें, आपको बता सकें। और एसएससी जीडी में जो भी जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आगे के वीडियो सेशंस में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसमें हम एसएससी जीडी बैंकिंग रेलवे वगैरह की तैयारी करवाते हैं, वो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जो हमारा इंटरव्यू सेशन था पायल जी के साथ में, ये आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।